हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप कंटिन्यू में अपन डील करते हैं उत्तराखंड सीएचओ पेपर का जो थर्ड पार्ट है उसको डील करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का थर्ड पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट का। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अपन ने डील कर लिया था 50 क्वेश्चन तक, उसके आगे डील करते हैं 51 क्वेश्चन। देखिए 51 क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिकेट्स होगा। इसके बाकी के ऑप्शन को विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है, रिकेट्स होता है। जबकि अगर बात करें अडल्ट में विटामिन डी की कमी से क्या होगा तो अडल्ट में देखने को मिलता है ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा, जिसमें बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। लेकिन बच्चों की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट देखने को मिलता है। तो यहाँ ऑस्टियोमलेशिया नहीं है, यहाँ पर केवल रिकेट्स लिखा हुआ है। तो रिकेट्स होगा वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग होता है। स्कर्वी ए में दिया गया है, स्कर्वी तो स्कर्वी होता है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है और इसे राइस ईटर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। मेनली उन लोगों में होता है जो कि डेली डेली राइस ईट करते हैं, उन पर्सन में कॉमनली देखने को मिलती है। बेरी 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 होती है, वो वेट बेरी बेरी होती है, ड्राई बेरी बेरी होती है। एनीमिया होगा और एनीमिया में क्या होता है, जहां पर आरबीसी का या आरबीसी की जो साइज होती है, शेप होती है, नंबर होते हैं या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, तो सभी को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। और एनीमिया का मेनली अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनीमिया का डेफिनेशन होता है कि जहां पर ह्यूमन के ब्लड की जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डिक्रीज हो जाती है, उसी पूरे को नाम दिया गया है एनीमिया, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, एनीमिया कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका रिकेट्स होगा। सेकंड नंबर 52 की बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन इन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस में देखी जाती है। तो कल भी अपन ने इस पे डील किया था कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है वो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस में देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, पाइलोरिक स्टिनोसिस में देखने को मिलती है और एक जगह और देखने को मिलती है, इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट में भी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है, गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइसिस का मतलब होगा क्या होगा कि गैस्ट्रियम का इंफ्लामेशन होगा। क्या होगा, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है गैस्ट्रिक का इंफ्लामेशन या स्टोमक का इंफ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक ही टर्म और है जो कि हमेशा कंफ्यूजन में डालती है स्टूडेंट्स को और उस टर्म का नाम है स्टोमेटाइटिस। कि स्टोमेटाइटिस आता है, गैस्ट्राइटिस आता है और पूछा जाता है कि अगर इन्फ्लामेशन हुआ है गैस्ट्रिक का स्टोमक का तो उसको टर्म क्या कहेंगे, तो उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। जबकि स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है लोग स्टोमक देख के स्टोमेटाइटिस देखकर सोचते हैं कि स्टोमक है, लेकिन स्टोमक का इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस कहेंगे। जबकि ओरल म्यूकोसा का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे स्टोमेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों टर्म को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मेगाकोलोन और मेगाकोलोन पर अपन ने कल डील किया था जो कि रिचर्स प्रंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन जिसमें नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर थे वो एब्सेंट थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैकोनियम पास होने में डिफिकल्टी हो रही थी या एब्सेंट था, मैकोनियम पास नहीं हो पा रहा था फर्स्ट 24 आवर में। तो कल देखा था, क्वेश्चन था इसमें किसे एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या हिर्चस्प्रंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो बेस्ट होता है यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है या डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस होगा वो कंफर्मेटिंग डायग्नोसिस होता है, वो रेक्टल बायोप्सी होती है। और रेक्टल बायोप्सी में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर देखा जाता है, अगर गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट होता है तो उसे हिर्चस्प्रंग डिजीज या एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो स्टूल का कंटेंट था, स्टूल का कंटेंट था वो कौन से कलर का आ रहा था, तो स्टूल कंटेंट होता है इसमें उसका कलर होगा
वो सॉरी रिबन लाइक स्टूल इसमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इंटू सेप्शन की, तो इंटू सेप्शन का मतलब होता है कि टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइनल, वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज टेलीस्कोप इनटू अनोदर, यानी इंटेस्टाइन का एक पार्ट इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में धस जाता है, तो उसे इंटू सेप्शन कहते हैं। और इंटू सेप्शन का जो करेक्टरिस्टिक होता है, स्टूल का करेक्टरिस्टिक फीचर होगा, इसमें रिकरेंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि सम पार्ट में स्टूल के साथ में म्यूकस और ब्लड होता है, तो इसे रिकरेंट जेली लाइक स्टूल कहा जाता है। 53 की बात करते हैं, तो 53 क्वेश्चन में आंसर देखिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। यूट्रस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, फीटस के लॉन्ग एक्सिस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उसका करेक्ट आंसर होगा लाई होता है। लाई होती है वो करेक्ट आंसर है इसका। एटीट्यूड का मतलब होता है दो पोडी के पार्ट के बीच का, एटीट्यूड का मतलब होता है दो फीटस के जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है एटीट्यूड कहलाती है। पोजीशन होगी और पोजीशन होती है प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में फीटस का वो पार्ट जो कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है उसे प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है, तो लाई होती है इसका करेक्ट आंसर होगा। लाई होती है थ्री टाइप की होती है, अपन ने उस दिन डील किया था, ट्रांसवर्स लाई होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है, एक ऑब्लिक लाई होती है। ऑब्लिक लाई अनस्टेबल होती है, जबकि दोनों लाई होती है, ट्रांसवर्स लाई है, लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल लाई कौन सी होती है, तो नॉर्मल होती है लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है, उसे नॉर्मल लाई होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है, नॉर्मल लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखते हैं। ए कंडीशन दैट कॉज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सलाइवा का ओवर प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए टाइलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भाभी जी में एक्सेसिव सलाइवा का प्रोडक्शन देखने को मिलता है तो उस टर्म को टाइलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें एक्सेसिव सलाइवा का प्रोडक्शन होता है तो इस दौरान आपको माउथ की अच्छी तरीके से केयर करनी होती है, क्योंकि यहाँ चांसेस होते हैं गम ब्लीडिंग के। पाइका देख लेते हैं। पाइका का मतलब होता है कि जब फीडिंग नॉन न्यूट्रिएंट्स ईटिंग सबस्टांस जो बिहेवियर होता है ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, जिसमें भाभी जी होती है उसको लत लग जाती है नॉन न्यूट्रिएंट सबस्टांस खाने की, उसको आदत हो जाती है, यानी वो सबस्टांस खाने लग जाती है जिसमें जैसे आपका चौक हुआ, कोयला हुआ, हेयर्स हुए, इनकी क्या करने लग जाती है, ईटिंग करने लग जाती है, यानी नॉन न्यूट्रिएंट सबस्टांस को खाने लग जाती है, उसे पाइका के नाम से जाना जाता है। और क्रेविंग होता है, क्रेविंग का मतलब होती है एक ऐसी इच्छा होती है कुछ करने की जिसको आप रोक नहीं पाते, क्रेविंग के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए होगा टाइलिज्म होगा। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन इक्लाम्प्सिया, इक्लाम्प्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो इक्लाम्प्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं। MgSO4 is the drug of choice in eclampsia. अपन ने MgSO4 डील कर रखा है, उसमें अच्छी तरीके से पूरा MgSO4 को पढ़ा रखा है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी इक्लाम्प्सिया की। लेकिन अब इसमें चोट कर दी है और क्या दिया है इसने कि या ओरल मैग्नीशियम सल्फेट देंगे या इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है IV मैग्नीशियम सल्फेट, इसको दिया जाता है। ओरल होगा, जल्दी काम नहीं करता है, इसलिए इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट होती है वो चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इक्लाम्प्सिया की। और इक्लाम्प्सिया के दौरान क्या करना होता है, जो भाभी जी होती है, भाभी जी को इंजरी से प्रिवेंट करना होता है, वो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी होती है कि भाभी जी को आप इंजरी से प्रिवेंशन करना है, उसका सेफ्टी मेजर यूज करना है, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट इसमें देते हैं। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और एमेसिस का मतलब होता है उल्टियां होना, या ग्रेविडेरम का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में हाइपर एमेसिस बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, जिसकी वजह से डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, तो उसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के नाम से जाना जाता है, यानी भाभी जी में इतनी जबरदस्त तरीके से
उल्टियां हो रही है, गंगा बह रही है मुंह से, तो उसे कहा जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और इसके लिए जो जिम्मेदार होता है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो एससीजी हार्मोन होगा, जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, वो एससीजी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक प्रोजेस्टेरोन होता है, वो मैन मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है कि मेंटेनिंग प्रेगनेंसी हार्मोन इज नोन एज द प्रोजेस्टेरोन होता है। एचपीएल होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि आपके लैक्टेशन रिलेटेड चेंजेस लाता है भाभी जी में, तो उसका करेक्ट आंसर होगा एससीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये क्या करता है, इसी से आप जब भी भाभी जी प्रेग्नेंट होती है तो जो टेस्ट किट आती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन में आप क्या देखते हैं, एससीजी हार्मोन को देखा जाता है। एससीजी हार्मोन की शुरुआत होती है 8 डे पर आ जाता है प्रेगनेंसी में, जैसे ही भाभी जी भैया और भाभी जी के बीच में 2020 का या 1 डे का जब भी मैच होता है और भाभी जी अगर प्रेगनेंट हो जाती है तो उसके बाद में ये उसके 8 डे पर ये आपका सिक्रेशन होने लग जाता है और मैक्सिमम पहुंच जाता है 6 से 7 वीक पर, यानी 50 से 60 दिन पर इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लग जाता है। 12 वीक पर इसका जो नॉर्मल होता है 6 से 7 वीक और 12 वीक पर ये वो कम होने लग जाता है, तो यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर होगा एससीजी होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के नाम से जाना जाएगा। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लेबर वुड द नर्स असेस द क्राउनिंग, वो कौन सी लेबर की स्टेज होती है जिसमें क्राउनिंग देखने को मिलती है। तो क्राउनिंग का मतलब होता है जब भी फ्यूटल का हेड आपको दिखाई देने लग जाता है उसे क्राउनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये सेकंड स्टेज, इसका करेक्ट आंसर होगा कि सेकंड स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलती है। अब सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डील कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है, पहली स्टेज होगी लेबर की, वो ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल सर्वाइकल डायलेशन तक की होती है। उसमें जो फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के बेबी की डिलीवरी तक की जो स्टेज होती है सेकंड स्टेज के नाम से जाना जाता है, और क्राउनिंग होती है सेकंड स्टेज में होती है। थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं, थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल डिलीवरी स्टेज के नाम से जाना जाता है, सेकंड स्टेज फीटल डिलीवरी स्टेज के नाम से जानी जाएगी। थर्ड स्टेज प्लेसेंटल डिलीवरी स्टेज के नाम से जानी जाती है, इसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। अब प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी वो 15 से 20 मिनट के, फीटल की डिलीवरी के 15 से 20 मिनट में हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, तो उसमें आंसर देना होता है 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। जबकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी कितनी देर में हो जाती है, तो विद इन 5 मिनट में प्लेसेंटा जहां से हट करके विद इन 5 मिनट में प्लेसेंटा होगा वो मैटरनल एंडोमेट्रियम से हटकर विद इन 5 मिनट में उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि आफ्टर फीटस की डिलीवरी के कितने देर बाद में प्लेसेंटा डिलीवरी होता है, तो विद इन 15 से 20 मिनट में या विद इन 30 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवरी हो जाती है। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, जिसमें मदर और फीटस के वाइटल साइन को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, इसे गोल्डन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प होती है, तो फोर्थ स्टेज को गोल्डन स्टेज के नाम से जाना जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है वो होगा सेकंड स्टेज में होगा। 58 का आंसर देख लेते हैं, 58 में आंसर की बात करें तो 58 का जो आंसर होगा कि पेल व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग परप्यूरियम, परप्यूरियम के फर्स्ट फोर्टनाइट में जो डिस्चार्ज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है RSA, रुब्रा सिरोसा एंड अल्बा। रुब्रा होता है वो रेड कलर का डिस्चार्ज होता है, 1 से लेकर के 4 डेज तक होगा, 1 से लेकर के
1 to 4 डेज तक ये देखने को मिलता है। सिरोसा होता है वो 5 से लेकर के 9 दिन तक देखने को मिलेगा, जबकि एल्बा होता है वो 10 से लेकर के 14 दिन तक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले होता है रूब्रा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूब्रा होता है, जिसमें रेड कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। सिरोसा होगा येल्लो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज येलो कलर का होता है, जबकि एल्बा होता है वो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आने लग जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा लोकिया रुब्रा। स्टेज फर्स्ट ऑफ लैबर इंक्लूड द विच फेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर। स्टेज फर्स्ट में 3 फेज होती है, वो करेक्ट ऑर्डर में किस हिसाब से है। तो इसको फर्स्ट स्टेज में जो लैबर प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज होती है, फुल सर्वाइकल ट्रू लैबर पेन से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन होता है, और उसका करेक्ट आंसर होगा लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई है, वो वाला गाना आज आपको याद करा करके जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दे के जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी लत लग गई, LAT लेटेंट एक्टिव एंड ट्रांजिशनल स्टेज होती है, LAT के नाम से जान जाता है, यानी लेटेंट होगा उसके बाद में एक्टिव होती है फिर ट्रांजिशनल स्टेज होगी। तो करेक्ट इसका सिक्वेंस देखने को मिलेगा कि लत लग गई, और लत लग गई तो किसकी लग गई, आपको पढ़ाई की लगनी चाहिए, किसी और चीजों की लत अभी नहीं लगनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कि लेटेंट एक्टिव एंड ट्रांजिशनल, आप कभी भूलोगे नहीं, अच्छी तरीके से आपको डील करना है इसको। कि 60 पे याद करते हैं कि 60 का क्या आंसर देखने को मिलेगा, तो द मेन साइन ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर इज, जो मेन साइन क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का, वो फर्स्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मेन साइन क्या देखने को मिलेगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी। फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के बेबी का बर्थ तक की जो स्टेज होती है वो सेकेंड स्टेज में काउंट होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया है कि फुल सर्वाइकल डायलेशन से सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी के बर्थ की जो डिलीवरी होती है सेकंड स्टेज होगी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स के, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेकर डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक का फर्स्ट स्टेज में आएगा। फ्रॉम बर्थ टू बर्थ ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बेबी की बर्थ से लेकर के प्लेसेंटल डिलीवरी थर्ड स्टेज में आती है। फुल एक्सपेंशन ऑफ द प्लेसेंटा टू अंटिल 2 आवर ऑफ बर्थ, ये आपका ऑब्जर्वेशनल स्टेज हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए होगा। 61 की बात कर लेते हैं, तो 61 क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलते हैं 61 पर। तो 61 का जो आंसर है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फर्स्ट विटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज टर्म्ड एज, मदर के द्वारा भाभी जी के द्वारा बच्चे का जो फर्स्ट विटल मूवमेंट देखा जाता है या महसूस किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसको करेक्ट आंसर होगा क्विकनिंग इज द फर्स्ट विटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज क्विकनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है कि बच्चा जब आपकी मदर के यूट्रस में ऊपर चला जाता है, फीटस को जाकर के इसका फंडस होता है वो डायफ्राम को कंप्रेस करने लगता है, उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। बच्चा जब नीचे आता है तो मदर को रिलैक्स फील होता है, और उसी साइन को लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है, इसे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाएगा। फ्यूनिक शफल का मतलब होता है कि इसमें जब भी आप स्टेथोस्कोप से फील करते हो या लिसन करते हो तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड की साउंड सुनाई देती है, और अम्बिलिकल कोड को ही क्या कहा जाता है फनिस, और फनिस इसीलिए इसे फनिस सफल के नाम से जाना जाता है। तो ब्रैक्सटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये मेनली सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पेनलेस होते हैं, और पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसमें कि आपका सर्वाइकल डायलेशन पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, जिसमें सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है, पेनलेस होते हैं, उससे मदर और फीटस की कंडीशन पर अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है क्विकनिंग देखने को मिलेगा। 62 क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मार्क ओपनिंग ऑफ सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग को गुडल साइन के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज द गुडल साइन। हैगर साइन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो गया है इसका सी, लेकिन इसके बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। हैगर साइन होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, अगर पूरा लोअर यूटेराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हुई है
तो उसे हैगर साइन के नाम से जाना जाएगा। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें वल्वा वजाइना एंड सर्विक्स का ब्लू डिस्कलरेशन होता है, तो उसे चैडविक साइन या जैक्यूमर साइन के नाम से जाना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो चैडविक साइन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, चैडविक साइन नहीं आता है तो जैक्यूमर साइन को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। बेलोटमेंट साइन, बेलोटमेंट साइन का मतलब होता है कि फीटल का मूवमेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूड में फीटल का मूवमेंट होता है, इसे बेलोटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो गुडल साइन होगा। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन द फीमेल, फर्टिलाइजेशन कौन से जगह पर होता है, तो फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब नहीं दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ओविडक्ट को ही फैलोपियन डक्ट के नाम से जाना जाता है, या ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में भी जो मेनली बात करें कि कहां पर देखने को मिलेगा, तो एम्पुला में जो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में देखने को मिलता है, यानी एम्पुला में होगा फर्टिलाइजेशन होता है, मेनली एम्पुला में देखने को मिलता है, सर्विक्स वेजाइना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 63 का, वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 64 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब इज नॉन एज, अब इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसे साल्फिनजाइटिस के नाम से जाना जाता है, और यूटेराइन ट्यूब का मतलब है फैलोपियन ट्यूब का अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसे साल्फिनजाइटिस के नाम से जानते हैं। ऑर्फोराइटिस का मतलब होता है ओवरी का इन्फ्लामेशन इज नॉन एज द ऑर्फोराइटिस। मायोमेट्राइटिस का मतलब होता है कि मायोमेट्रियम जो कि बीच वाली लेयर होती है, कॉन्ट्रेक्शन वाली लेयर होती है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे मायोमेट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। पैरामेट्राइटिस का मतलब होता है पेरीमेट्रियम का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पेरीमेट्राइटिस के नाम से जाना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 64 का वो डी होगा, साल्फिनजाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं 65 क्वेश्चन की, तो 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का को इन्फ्लामेशन का मेनली जो कोज होता है वो ट्राइकोमोनास देखने को मिलेगा, लूपस, क्राउप या ब्रूसाइटिस देखने को नहीं मिलता है। क्राउप होता है वो फोर रेस्पिरेटरी डिजीज का एक संगठन होता है, फोर जिसमें आपको मेनली देखने को मिलती है, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस होगा, स्पास्मोडिक लैरिंजाइटिस होता है, ट्रेकियो बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस एंड लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। ब्रूसाइटिस का मतलब हो गया कि जो आप पर आपकी ब्रूजिंग होने लग जाती है, ऊजिंग होती है ब्लड की, उसे ब्रूसाइटिस, और तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइकोमोनास की वजह से मेनली इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इसे यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। 66 की बात करते हैं कि 66 में आंसर होगा तो ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी इज टर्म्ड एज, डिलीवरी के बाद में ब्लड और डेब्रिस का डिस्चार्ज होता है यूट्रस से, उसे किस टर्म के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकिया के नाम से जाना जाता है। लोकिया 3 टाइप का होता है, आर एस ए रुब्रा, ए सिरोसा एंड एलवा। रुब्रा होता है 1 से 4 दिन तक होता है, सिरोसा होगा 5 से 9 दिन तक एंड 10 से 14 दिन तक होता है, एल्बा होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका लोकिया। पायूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन, अगर यूरिन में पस आता है पायूरिया के नाम से जाना जाएगा। एब्सेस का मतलब होता है कि पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसे एब्सेस के नाम से जाना जाता है। कोलेज्मा, तो 66 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लोकिया, इसका करेक्ट आंसर है लोकिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डील करते हैं 67 की, ए कंडीशन इन विच द एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, 5 ए कंडीशन जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है AFI है वो 5 से
कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, अगर AFI 5 से कम होती है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। बाकी के ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, अगर AFI 5 से कम है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं, और AFI का मतलब होता है कि जो आपका यूट्रस है उसने एब्डोमिनल कैविटी का कितना भाग कवर किया हुआ है, इसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एरिया कवर बाय द यूट्रस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में यूट्रस के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसे AFI के नाम से जानते हैं। अगर 5 से कम है ओलिगो कहलाएगा, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो इसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस में क्या क्या देखने को मिलेगा, अब ओलिगोहाइड्रोमनियोस की बात कर लेते हैं। AFI होगी 5 से कम होगी, जो इसका फ्लूड का जो अमाउंट होता है वो 200 से कम होगा, और SDP होती है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। इसका मतलब होता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का कि फीटल और एमनियोटिक कैविटी के बीच का स्पेस होता है उसके कैलकुलेशन को SDP कहते हैं, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। और SDP अगर 2 से कम होती है ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहलाती है। अब पॉलीहाइड्रोमनियोस की बात कर लेते हैं, इसमें अमाउंट होगा 2000 से ज्यादा होगा एमनियोटिक फ्लूइड का, और इसमें AFI होती है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, और SDP होती है वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से आपका एमनियोटिक फ्लूइड का आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। आगे देखते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा होता है वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें अगर प्रेग्नेंट लेडीज ने या भाभी जी ने आपने फोलिक एसिड की कमी होती है या फोलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बाइफिडा आता है। स्पाइना बाइफिडा में भी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होगा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसमें अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। तो आगे इसको अच्छी तरीके से अपन डील कर लेंगे। एनसेफलाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन की जो पैरेन्काइमा होती है उसके इन्फ्लामेशन को एनसेफलाइटिस के नाम से जाना जाता है। मेनली वायरल इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, मेनली वायरस की वजह से होता है, जबकि मेनिनजाइटिस होता है मेनली बैक्टीरियल कॉज की वजह से होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 68 नंबर पे। तो 68 क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट, द कॉन्स्टेंट वेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज होती है जिसे कॉन्स्टेंट फेज के नाम से जाना जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीन फेज होती है। फर्स्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज होगी, एक से लेकर के 5 दिन की होती है, फिर 5-6 से लेकर के 14 दिन की होगी, उसे प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जाना जाता है, और प्रोलिफरेटिव कोई फोलिकुलर फेज कहते हैं, जबकि लास्ट होती है उसे ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं, जो 14 से लेकर 28 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है नॉर्मल 28 डेज की होगी। इसमें अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता करने के लिए आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें से माइनस करना होता है, आपको 14 डेज माइनस करते हैं तो उसे ओवुलेशन का पता लग जाता है। तो उसमें ल्यूटियल फेज होगा करेक्ट आंसर होगा, और ल्यूटियल फेज को ही सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज अब कॉन्स्टेंट क्यों होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि कॉन्स्टेंट क्यों होती है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इन बाकी की में अलग अलग हार्मोन होते हैं इनके लिए, लेकिन ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में केवल एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन होगा, वो टांग खिंचाई नहीं करता है। बाकी की आपकी सिक्रेटरी फेज होती है, उसके अलावा जो प्रोलिफरेटिव फोलिकुलर फेज होती है इनमें FSH, LH और आपका एस्ट्रोजन जिम्मेदार होते हैं। तो जहां पर तीन तिगाड़ा होते हैं वो काम बिगाड़ देते हैं, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, इसीलिए ल्यूटियल फेज सिक्रेटरी फेज होती है वो आपकी किस नाम से जानी जाती है, कॉन्स्टेंट फेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ल्यूटियल फेज होगा। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। तो 69 क्वेश्चन पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है फीटल सर्कुलेशन में फ्रॉम अम्बिलिकल वेन से तो थ्रू द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डक्टस वेनोसस से एंटर करेगा। इसमें अपन ने फीटल सर्कुलेशन अच्छी तरीके से डील किया हुआ है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन के थ्रू, तो डक्टस वेनोसस नाम की, यानी अम्बिलिकल वेन और आपकी IVC के बीच के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, डक्टस वेनोसस के नाम से जाना जाएगा, जबकि डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो कनेक्शन होता है
किसके किसके बीच का कनेक्शन होगा, तो डक्टस आर्टेरियोसस इज द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग ओर्टा के बीच के कनेक्शन को डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा सी होगा। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं कि फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना किस नाम से जाना जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर लगना, एक्रोफोबिया कहलाएगा। फोबिया का मतलब होता है फियर, एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम पेन, पेन से डर लगना। पेन का मतलब ये नहीं है कलम से डर लगना, पेन का मतलब होता है दर्द से डर लगना, एल्गोफोबिया कहलाता है। अगोराफोबिया होता है कि जहां पर आपको ओपन स्पेस से डर लगता है, भीड़ भाड़ वाली स्थान पे आप नहीं जा सकते, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म इन पर जाने से आपको डर लगता है, अकेले आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो उस वाली कंडीशन को अगोराफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए किस किस में ये देखने को मिल रहा है। गैमोफोबिया की बात करते हैं, गैमोफोबिया का मतलब होता है कि फियर फ्रॉम मैरिज, मैरिज से डर लगना, शादी से डर लगना और शादी से डर लगता है जिन्हें उन्हें गैमोफोबिया के नाम से जाना जाता है, फियर से डर लगना। अब इस स्टेज में किस किस को अभी शादी से डर लगता है कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस को गैमोफोबिया है, वो कमेंट करके जरूर बताना है आपको। तो 71 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है वो क्या होगा, तो डेमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, नहीं मेनिया, अल्जाइमर डिजीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेमेंशिया का वो अल्जाइमर डिजीज की वजह से होता है, मेनली ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया, डेमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है, डेमेंशिया का मतलब होता है कि याददाश्त का चले जाना, अल्जाइमर डिजीज की वजह से मेनली देखने को मिलता है। डिप्रेशन होगा, मेनिया होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिप्रेशन होता है, मेनिया एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मल्टीपल डिप्रेशन होगा, ये बहुत ही आपकी खतरनाक डिजीज होती है, मेनली देखने को मिलता है फीमेल में। मेनिया होता है, मेनिया में क्या होता है पर्सन की जो एक्सेसिव एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, जो अनवांटेड एक्टिविटीज होती है वो बढ़ जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस और एमएस में क्या होता है, इसमें डिजनरेशन देखने को मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्टेड होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा, जबकि पीएनएस अफेक्टेड होता है। जीबीएस में इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है किसके खिलाफ में, ओलिगोडेंड्रोसाइट के खिलाफ में ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, और वो जाकर के क्या कर देती है, जो माइलिनेशन होता है उसको डिस्ट्रक्शन कर देती है, जो नर्व का माइलिनेशन होता है न्यूरोन का उनका डिस्ट्रक्शन कर देती है। तो इसकी वजह से इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज नोन एज, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, अटल विश्वास है, लेकिन अटल विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सत्य वाला विश्वास होना चाहिए, झूठा बिलीव नहीं होना चाहिए। अगर किसी को फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है तो उसे कहा जाता है डेल्यूजन के नाम से उसको जाना जाएगा। बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा इसका डेल्यूजन होगा, जबकि इल्यूजन, डेल्यूजन एंड परसेप्शन होते हैं, ये दोनों ही आपका डेल्यूजन हुआ, हेल्यूसिनेशन हुआ। डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ द थॉट एट कंटेंट लेवल, जबकि हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन होते हैं वो डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन का। तो आगे इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा कि हेल्यूसिनेशन किसका एग्जाम्पल, ऐसे कोरिलेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट करके इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपको एक का पता था तो दूसरे का आप आसानी से आंसर दे सकते थे। इल्यूजन होता है हेलुसिनेशन, ये दोनों डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के। इल्यूजन में क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है, जैसे रस्सी को, और इसका फेमस और पसंदीदा उदाहरण है सब लोगों का कि रस्सी को सांप समझ लेना, यानी कि कोई स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है लेकिन उसका रॉन्ग परसेप्शन कर रहे हैं। जैसे आप जा रहे थे रस्ते में, आपको रस्सी दिखाई दी और रस्सी को आप सांप समझ बैठते हैं, तो कहलाता है इल्यूजन। जबकि हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कहां, जहां पर जो आपका
एक्चुअल स्ट्रीमलाइन एब्सेंट है, फिर भी आपको एक्चुअल स्ट्रीमलाइन एब्सेंट होने के बाद भी आपको उसका आभास होता है, तो उसे हेल्यूसिनेशन के नाम से जाना जाता है। और हेल्यूसिनेशन होता है वो मेनली देखने को मिलता है आपके सिज़ोफ्रेनिया में, और सिज़ोफ्रेनिया में भी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होगा, मेनली देखने को मिलता है। जबकि बात करें कि विजुअल हेल्यूसिनेशन किसमें देखने को मिलेगा, तो विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है एक तो दारुड़ा पर्सन में देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है आपके जो ट्रेमर्स आते हैं एक तो दारुड़ा पर्सन में देखने को मिलेगा, बिल्कुल उस दारुड़ा पर्सन में कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ खड़ा है, कुछ नहीं है, फिर भी उसे दिखाई देता है, तो हेल्यूसिनेशन होता है, मेनली देखने को मिलता है दारुड़ा या फिर आपके एल्कोहलिक पर्सन में। What is the most common mental disorder? इसका करेक्ट आंसर हो गया कि false belief, delusion इसका करेक्ट आंसर है। 73 क्वेश्चन की बात करते हैं कि what is the most common mental disorder in female? तो उसमें most common disorder होता है female में, उसे depression के नाम से जाना जाता है, mainly depression होगा फीमेल्स में देखने को मिलता है। मेनिया होता है जिसमें क्या होगा कि मैन की या आदमी की या पर्सन की क्या होती है, अनवांटेड एक्टिविटीज होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। एल्कोहलिक डिपेंडेंस होगा, एल्कोहलिक डिपेंडेंस का मतलब होता है जो पूरी तरीके से दारुड़ा बन चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल ही दिखाई देती है, दारू दिखाई देती है, जहां भी जाता है इसको ही पाता है, तो उसे एल्कोहलिक। और जब भी ये छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसमें एल्कोहलिक विथड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं। सिज़ोफ्रेनिया, और सिज़ोफ्रेनिया होता है वो बहुत ही बड़ा साइकेट्री का आधा चैप्टर इसमें घिरा हुआ है। सिज़ोफ्रेनिया है बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, इसको साइकेट्रिक में डील करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया होता है वो बीएटी का डिसऑर्डर है, जिसमें बिहेवियर अफेक्ट एंड थॉट का पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाता है, सिज़ोफ्रेनिया कहलाएगा। 74 क्वेश्चन, तो 73 का करेक्ट आंसर है डिप्रेशन। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं, हेल्यूसिनेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ, हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है जो अपन ने अभी डील कर लिया अच्छी तरीके से, तो हेल्यूसिनेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ये परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं, हेल्यूसिनेशन है वो डिसऑर्डर है परसेप्शन का, तो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। 75 क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद में, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका लास्ट पोर्शन है वो कल डील करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को अच्छी तरीके से फैला दीजिए, आग की तरह लगा दीजिए जोश जुनून के साथ में, आने वाली कई एग्जाम में ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं होगा तो इसके जो रैशनल है वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसे अपने पूरे जुनून के साथ इसको अच्छी तरीके से आग की तरह फैला दीजिए और अच्छी से मेहनत तैयारी करते रहिए। तो 75 क्वेश्चन को डील कर लेते हैं कि इनवॉलंटरी रिपीटेशन और लिमिटेशन ऑफ अनोदर पर्सन एक्शन इज नॉन एज, अगर किसी एग्जामिनर की रिपीटेशन कर रहे हैं, लिमिटेशन और अनोदर पर्सन की एक्शन का एक्शन को आप रिपीट करता है अगर कोई पर्सन, तो उसे इकोप्रेक्सिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इकोप्रेक्सिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है, जबकि इको ले लिया होता है अगर पर्सन एग्जामिनर की एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है, इकोप्रेक्सिया कहलाएगा। जबकि अगर इकोलेलिया का मतलब होता है कि एग्जामिनर के बोले गए वर्ड्स को वो रिपीट करता है, इकोलेलिया की कहलाता है, यानी अगर तोता बन जाता है तो उसे इकोलेलिया कहते हैं। फोबिया का मतलब होता है कि फियर लगना, किसी भी रेशनल फियर को फोबिया के नाम से जाना जाता है, यानी अतार्किक जो डर लगता है बिना किसी वजह के लगेगा उसे फोबिया के नाम से जानते हैं। और फ्लडिंग होती है, ये आप बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें फोबिया वाले पेशेंट को डायरेक्टली आपको पकड़ करके घसीट करके उसको फोबिक वाली सिचुएशंस के सामने लाके डाल दिया जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन को अंधेरे कमरे में डर लगता है तो उसको पकड़ करके जबरदस्ती अंधेरे कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया जाता है, फ्लडिंग के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा 75 होगा। तो आज का ये थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है, अब जो फोर्थ पार्ट है उसको कल डील करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नए टॉपिक के साथ में, फोर्थ जो इसका बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है 25 क्वेश्चन का उसको लेकर के बहुत जल्द आपके सामने।
आने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपनी मेहनत को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।